नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। प्रयागराज की उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पर डीजीपी मुख्यालय ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इनमें हत्याकांड का मास्टरमाइंड माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के फरार मेन शूटर पर घोषित नाम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। इसकी घोषणा डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने की। फरार मेन शूटर का पता बताने वालों को 2.5 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में लीड रोल में सामने आया शूटर असद पर भी 2.5 लाख का इनाम रखा गया है। वहीं शूटर अरमान और बगल की दुकान पर पहले से घात लगाकर खड़ा शूटर गुलाम मोहम्मद पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया है। उमेश पाल पर हमला करते समय सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे बमबास शूटर गुड्डू मुस्लिम पर भी 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। वहीं एक मेन शूटर साबिर पर भी 2.5 लाख का इनाम घोषित है। बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के बाजार पर 24 फरवरी को शाम करीब 4:30 बजे बीजेपी नेता व अधिवक्ता उमेश पाल पर हमला हुआ। हमलावरों ने चौतरफा घेर कर गोली व बम बरसाए। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मेन शूटरों पर 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने इनाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुहर लग गई। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की कुछ दिन पहले प्रयागराज में उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत के आधार पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शायस्ता परवीन, दो बेटों सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर धारा 147, 148, 149, 302, 506, 120B और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जयापाल ने आरोप लगाया कि उनके पति उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। साल 2006 में अतीक अहमद और उनके सहयोगी ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पक्ष में अदालत में बयान देने के लिए मजबूर किया था। उमेश पाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी और मामला चल रहा था। 24 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसके लिए उमेश पाल, उनका भतीजा, दो सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद और रघवेंद्र सिंह कोर्ट पहुंचे। जयापाल ने आरोप लगाया था कि जब वो घर लौट रहे थे और उमेश पाल उनके सुरक्षा कर्मी अपनी कार से उतरे तो अतीक अहमद के बेटे और गुड्डू मुस्लिम गुलाम और उनके 9 सहयोगियों ने उन पर गोली और बम से हमला कर दिया। इस घटना में उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने वाले शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इससे पहले प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने पांचों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। साथ ही इनाम की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय भेजा था, जिसे डीजीपी ने मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।